हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज तारीख है 29th अप्रैल और आज से हमारा कॉलेज का फेस्ट है, 3 दिन का फेस्ट है। सो 29th, 30th और 1st को हमारा फेस्ट होने वाला है। तो आज कॉलेज के फेस्ट का फर्स्ट डे है और हर 3 दिन में हर डे पे हर एक ड्रेसिंग कोड है। सो आज हमारा है स्टेटस डे, मतलब रिलेशनशिप स्टेटस डे। तो अलग अलग कलर मिले, तो रेड वाले है कमिटेड। मैं अभी रेडी नहीं हुआ हूँ, मैं अभी रेडी होऊंगा उसके बाद जाऊंगा। तो रेड वाले है कमिटेड, फिर है ग्रे रेडी टू मिंगल, ब्लू है सिंगल और क्या था एक येल्लो है कॉम्प्लिकेटेड वाले। तो ये है कलर। और फिर सेकेंड डे है कॉस्प्ले डे और थर्ड डे है ट्रेडिशनल डे। और बहुत सारे इवेंट्स भी है, मैंने एक इसमें पार्टिसिपेट किया है जो दिखाऊंगा मैं। और भाई देखो कौन आया है, अपना दोस्त आया है, ये है अजिंक्य भाई। हाय हाय बोल। क्या लाया तू? मैगी लाया अभी मैंने। चलो भाई मैगी खाते। तो गाइस चलो अभी मैं तुमको ऊपर लेके चलता हूँ, ऊपर में कुछ दोस्त है उनसे भी इंट्रोडक्शन करा देगा। मैं आ गया हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे और वो वाली जो दिख रही है वो वाली और वो वाली, वो दोनों है रूम हमारे दोस्तों की। तो चलो चलते हैं, चल रहे हैं यहाँ पे। ये है हमारा दोस्त अधिराज भाई, हाई बोल लॉक को। और इधर क्या चल रहा है? ओहो सब रेडी हो रहे। ये हनी भाई है, ये है आदित्य, आयरन से तो मिल चुके हो तुम, और ये है अजय जो नहाया भी नहीं है। ये लोग रेडी हो रहे हैं और मैं रेडी नहीं हुआ हूँ क्योंकि इनको 10 बजे ट्रेजर हंट के ओरिएंटेशन पे जाना है। ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं ब्लॉक करेगा इनका ट्रेजर हंट। तो भाइयों देखो मैं हो गया हूँ रेडी, मैं एक मिनट में पूरा दिखा। तो गाइस ऐसे दिख रहा हूँ मैं आज, कमेंट करो नीचे कैसा दिख रहा हूँ। तो ये सब हम सब हो गए हैं रेडी और सब जा रहे हैं। ऑलमोस्ट सब ब्लू है, इसको छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के, ये भी थोड़ा सा ब्लू है। और हम अभी जा रहे हैं कॉलेज की तरफ। मैं दिखाता हूँ कॉलेज में क्या डेकोरेशन वगैरह किया है। माँ का सब आज सुबह 5 बजे तक लोगों ने डेकोरेशन किया है। तो चलो चल के देखते हैं। ये है भाई, क्या बढ़िया लग रहा है भाई। ये सुबह 5 बजे तक लोगों ने उठ के किया है भाई। कल रात को यहाँ पे 2 बजे तक तो मैं ही था, मैं और तेजसी थे यहाँ पे 2 बजे तक कल। इतना यहाँ तक तो हमने देखा था, वो वहाँ तक किया है भाई सुबह 5 बजे तक उठ के भाई। हेड्स ऑफ। अधिराज भाई आ रहे हैं पीछे से लेट। क्यों भाई क्यों लेट हो गया तू? क्योंकि ना मुझे एक दो बिजनेस कॉल्स करने थे। ओहो बिजनेस कॉल्स कहाँ पे भाई? आईएलएस को खरीदने की बात चालू है। यहाँ पे आया हूँ तो अपनी क्लास भी दिखा देता हूँ। ये हॉल नंबर 4 में हमारी रोज क्लास होती है और ये हमारी क्लास है। हेलो। हम अभी रुके हैं यहाँ पे, ये आर्यन दिव्यानी और आदित्य के लिए, वो ट्रेजर हंट में पार्टिसिपेट कर रहे वाले, मैं उनको ब्लॉक करने वाला हूँ। हाँ चलते हैं, लेकिन ये ट्रेजर हंट शुरू होने वाला था 11 बजे शुरू होने वाला था, लेकिन अभी हो रहे हैं 12:10, शुरू हुआ नहीं है कुछ। यह है हॉल नंबर 18, यहाँ पे सब ट्रेजर हंट का कुछ तो भी चालू, ओरिएंटेशन वगैरह। वहाँ पे हमारे लोग बैठे हैं, मैं जाके दिखाता हूँ। यह है अपनी टीम, ये बैठे हैं सब भाई। क्या है रेड टीम और नंबर? 7। चलो भाई बढ़िया, मैं पानी वानी लेके आया हूँ तुम सबके लिए। थैंक यू, धन्यवाद। बढ़िया। क्लू क्या है? क्लू क्या है? तू ही बिगाड़े, तू ही संभाले। ओह सो लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में कुछ नहीं मिला है, अभी दूसरी जगह ढूंढना है। अरे अजय पार्किंग होगी क्या? भाई तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे। एक दूसरा गॉड से रिलेटेड हो सकता है, तो कोई मंदिर वंदिर है इधर? क्या बोला भाई? मंदिर सीधा टेकड़ी पे है। हाँ। पर पहला क्लू टेकड़ी पे नहीं देखा, पता नहीं अभी क्यों ये क्लू ढूंढने कैंटीन जा रहे। तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे। भाई कैंटीन कैसे? तो अभी अभी सबने सोचा है कि तू ही बिगाड़े और तू ही सवारे मतलब क्लासरूम हो सकता है। तो चलो, क्योंकि अभी अभी इंटरनल्स में सबक के भी आए ना, कॉमन रूम भी जाके आ चुके हैं, मतलब स्टाफ रूम, कि तू ही बिगाड़े तू ही सवारे। तो टीचर्स सोच के हम गए थे लेकिन कुछ नहीं मिला है। तब एक ही ऑप्शन बचता है कि पीछे टेकड़ी पे जाए, क्योंकि वहाँ पे एक मंदिर है, तो हो सकता है वहाँ हो नेक्स्ट क्लू।
तो मुझे इन लोगों ने भेजा है मैं इसकी तरफ आने के लिए कि वहाँ चेक करके आए कि यहाँ पे कोई वॉलंटियर्स है क्या, तो मैं चेक करने आया हूँ। तो मैंने अभी अभी यहाँ पे चेक किया है, यहाँ पे कुछ वॉलंटियर्स है, मैं उनकी मदद कर रहा हूँ सिर्फ। तो मुझे वो बता नहीं रहे क्योंकि मेरे हाथ में वो बैंड नहीं है, तो वो लोग आ रहे हैं चेक करेंगे वो सही है कि नहीं है। तो बता दो आ गई टीम, जल्दी आओ शायद से है, जल्दी आ भाई। वो सामने में उधर दिख रहे हैं वो उधर वापस कोई जगह देख के आए हैं, और लगता नहीं है उनको देख के कि वापस कुछ मिला है क्लू। भाई फर्स्ट क्लू ही सॉल्व नहीं हो रहा है यार, कितने देर से ढूंढ रहे हैं, 1.5-2 घंटे से ढूंढ रहे हैं फर्स्ट क्लू, लेकिन मिल ही नहीं रहा है। तो सीन अभी ऐसा हुआ है कि जो रेड टीम का फर्स्ट क्लू था वो दूसरे टीम का थर्ड फोर्थ फिफ्थ दूसरे क्लू थे, और सब टीम ऊपर जाके आई है टेकड़ी पे मंदिर के यार, लेकिन किसी को भी फर्स्ट इसमें नहीं मिला। अब एक दो टीम कोई ऊपर गई थी, उनको सेम पासवर्ड दे के उनको नेक्स्ट क्लू मिल गया है, ये ना इंसाफी है, समझ रहे हो। तो अभी सब गिव अप कर चुके हैं क्योंकि क्ल्यू पता नहीं क्या है, उनका मिसकम्युनिकेशन हुआ क्या हुआ पता नहीं, पासवर्ड गलत बता रहे थे, और अभी जो टीम ऊपर जा रही है उनको सेम पासवर्ड के साथ नेक्स्ट क्ल्यू दे रहे हैं। तो अभी सब गिव अप कर चुके हैं, अभी हो रहे हैं 2:30 बज चुका है, तो मैं सो चुकी है बंद, और हम इसलिए अभी बाहर जा रहे हैं कि कुछ खा लेंगे पराठा वगैरह। तो ट्रेजर हंट के लिए जो था यही तक था, हम आए हैं अभी इधर मैगी पॉइंट पे कुछ खाने, और हम तीन हैं यहाँ पे, आदित्य अजिंक्य और मैं, बाकी सब उधर सामने कुछ पराठा वराठा खाने गए हैं। हम यहाँ पे खा रहे हैं बर्गर, भाई शक्ल गंदी आ रही है, शक्ल अच्छी कब थी। सो बेसिकली सारी साउथ इंडियन मूवीज दो थियरीज में खत्म हो सकती है, पहली एक करप्ट पॉलिटिशियन उसकी बेटी, फिर एक गरीब लड़का जिसको बेटी से प्यार हो गया, फिर बाद में वो पॉलिटिशियन की ऐसी तैसी करेगा और उसको सुधारेगा। दूसरी थियरी है पिछले जन्म का प्यार खत्म नहीं हो पाया था तो इस जन्म में वापस आए, खत्म पूरा साउथ इंडियन में थी। और ये अजिंक्य है जिसको साउथ इंडियन मूवीज बहुत पसंद है, आपके क्या व्यूज है ये थ्योरी पे? ननारी नारे तानी ननारो ताने नाने, साउथ इंडियन मूवीज ऐसी है। मैंने फर्स्ट थ्योरी एक्सेप्ट कर लेता हूं, सेकंड थ्योरी में कुछ बदलाव हो सकता है। गाइस मैं बोलता हूं मार्वल देखो, मार्वल बेस्ट है, मार्वल। तो अभी हम नाश्ता वाश्ता करके थोड़ा इधर बाहर घूम के आ चुके हैं वापस कॉलेज के अंदर, और हम जा रहे हैं अभी थिरकन, मतलब जो डांस कंपटीशन है वो देखने, जो ऑडिटोरियम में हो रहा है। और वहाँ पे एक अस्मिता नाम की लड़की है जो हमारे दोस्त है, और उसका भी पार्टिसिपेट कर रही है वो, तो उसने बोला था कि मुजरा देखने आना, तो हम जा रहे हैं। सो हम अभी वापस आ गए हॉस्टल पर, और आज का डे ख़त्म होता है, सब वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। हम निकल के आ गए क्योंकि भूख भूख भी लगी है, 8:30 हो रहे हैं अभी, बस चेंज करके थोड़ा फ्रेश होके निकलते हैं खाना खाने मेस पे। सो सी यू टुमारो। सो दिस इज़ द सेकेंड डे ऑफ लीगलीज, और ये है वंश था प्लेयर, और आज है हमारा सेकेंड डे जिसमें कॉस्प्ले कर रहे हैं, तो भाई बुली मैग्वायर बने, तो एक मिनट में इसको पूरा दिखाता हूँ, एक मिनट वहीं पर। ये बुली मैग्वायर ऐसा दिख रहा है भाई हमारे, भाई थोड़ा डांस करके दिखाओ बुली मैग्वायर जैसे, नाइस बढ़िया भाई बढ़िया। तो आज ये वंश मेरे पास आया सुबह और बोलता है कि मेरी थोड़ी हेल्प कर दे बुली मैग्वायर जैसे दिखने की, एंड आई वाज लाइक मन जाएगा। इधर भी गाने बज रहे हैं, ये हनी भाई ब्लॉग, भाई आदित्य तू तो देखो तो कॉस्प्ले करने की जरूरत नहीं है ना, तो ऑलरेडी मुन्ना भाई है बीबीएस का जाकिर जैसा दिखता है बिल्कुल। आर्यन भाई कपड़े धो के आए हैं, कपड़े बेडशीट देखो रो गाइस, हॉस्टल लाइफ की कितनी स्ट्रगल होती है, और तुम सबको लगता है हॉस्टल में सिर्फ मजे होते हैं, ऐसे कपड़े वपड़े बेडशीट धोना पड़ता है। वो बात अलग है कि हम महीने में एक ही बार कपड़े धोते हैं।
इतना सच भी नहीं बोलना था। तो हम रेडी हो गए, हम तो अभी यहाँ पे जाना है हमको हमारे इवेंट के लिए, एमिगोस फ्यूड गेम के लिए, जो मतलब थोड़ा ऐसे फैमिली फ्यूड गेम जैसा ही कॉन्सेप्ट है उसका, जिसमें मैं, तेजस और देव्यानी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हम देव्यानी के लिए रुके उसका हॉस्टल के सामने कि वो आएगी और हम जल्दी ऑडिटोरियम में जाएंगे। मैं ऑडियंस बनने जा रहा हूँ। ये ऑडियंस बनेगा और रिकॉर्ड भी करेगा ब्लॉग में डालने के लिए। क्रेडिट्स दे देना। हाँ ठीक है भाई, क्रेडिट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो अभी हम ऑडिटोरियम के बाहर निकले और हम हमारा फर्स्ट राउंड जीत चुके हैं और अभी 24/7 के मतलब 24 हमारा और अपोनेंट टीम के 7 स्कोर था। और अभी पता नहीं उनका गेम कैसे आगे बढ़ने वाला है, शायद से जो टॉप स्कोरर टीम्स रहने वाली है उनके बीच कुछ सेम कंपटीशन होगा या फिर पता नहीं कैसे होने वाला है। सो अभी रुके हैं हम। सो गाइस, ये है मेरा दोस्त वरदराज पाटिल और ये थॉमस शेल्बी बन गया है, इसके चैनल को सब्सक्राइब करना। ये है अश्मिता जिसका कल डांस परफॉर्मेंस था। मेरी बेटी दैट्स एन इनसाइड जोक गाइस। तो अभी हमने यहाँ से हमारे सब बॉटले वॉटले भर लिए है, सब वापस बॉटल रिफिल कर लिए है और अभी हम जा रहे हैं इधर बैक डोर से ऑडिटोरियम की तरफ। अंदर फैशन शो चल रहा है, पीछे से फैशन शो है, तो चलते हैं वहाँ पे और मैं दिखाता हूँ। थोड़ी देर में हमारा जो कॉलेज का बैंड है विधि बैंड वो अभी परफॉर्म करने वाला है। सो हम सब लोग यहाँ पे हमने जगह पकड़ ली है अपनी अपनी और रुके हैं कि ये परफॉर्म करना चालू करे। अभी सब वो उनका टेस्टिंग वगैरह चालू है तो यहाँ वो परफॉर्म करेंगे अभी। अभी यहाँ पे हमारा बैंड का परफॉर्मेंस खत्म हुआ है और थोड़ी 15 मिनट में अभी मतलब एनुअल गैदरिंग शुरू होने वाली है। Oh,
होता है लीगल केस का टू खत्म और वहाँ अभी भी फायर ब्रेक शुरू है। हम आ गए रूम पे, अभी मैं चेंज करूँगा और मैं इसमें जाऊँगा खाना खाने और मिलते हैं कल डे थ्री पे। तो गाइज दिस इज डे थ्री ऑफ कॉलेज फेस्ट और आज है ट्रेडिशनल डे, तो सब कुर्ते उर्ते पहन के रेडी हो गए, मैं भी पहन के रेडी हो गया कुर्ता। एक मिनट और ऐसे दिख रहा हूँ मैं, थैंक्स बाय वंश। और यह है प्रवीण हमारा दोस्त, ये भी रेडी हो गया है। और यह है हर्ष हमारे इधर है, आर्यन वो आदित्य है और भाई प्रथमेश भी, सब एकदम बढ़िया दिख रहे हैं सिवाय तेजस के। भाई आ जाओ ब्रजेश, ब्रजेश भी अच्छा लग रहा है सीनियर। अब हम जा रहे हैं हमारी लक्ष्मी बिल्डिंग के सामने जहाँ पे हमारी कल्चरल रैली होने वाली है। आज ज़्यादा लंबा नहीं है फेस्ट, आज 12 बजे तक ही है, रैली होंगे और बस ख़त्म फिर। और यहाँ पे हमारे नेताजी आगे चल रहे हैं, जनता उनके पीछे चल रही है। भैया में भैया, वंश भैया, भैया में भैया, वंश भैया, हमारा नेता कैसा हो, वंश अपलियाल जैसा हो। चलो भैया में भैया, वंश भैया, भैया में भैया, वंश भैया। अरे यार दीपन वॉकस कर रहा था। कॉलेज में फोर्थ ईयर में, इनका भी एक चैनल है और इन्हीं को देख के फिर मैं ये कॉलेज में आया था। इन्होंने बहुत अच्छे से ये कॉलेज दिखाया था और फिर अभी यहाँ पे उतरे। दीदी को भी ब्लॉग में ले लिया है। दीदी थोड़े सब्सक्राइबर्स भेजो ना इधर भी। डू सब्सक्राइब टू हिज चैनल, ही इज जस्ट टू गुड एंड थैंक यू फॉर योर ब्लॉग, फॉर योर बाइट, थैंक यू। 5000 सब्सक्राइबर्स है, थोड़े 1000 भेज दो इधर बस। ओके चलो, डू सब्सक्राइब टू हिज चैनल एंड थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पे सब फोटोज खींच रहे हैं, बहुत सारी फोटोज खींच रहे हैं वापस से। तो गाइज हम आ चुके हैं रूम पे और आज का हमारा कल्चर रैली और थर्ड डे फेस्ट का यही ख़त्म होता है और पूरा फेस्ट भी ख़त्म होता है जो 3 दिन का था। तो अभी कल से वापस वही हमारा रूटीन चालू हो जाएगा कॉलेज वाला और बस। सो या सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय। एज यूजल गाने बज रहे हैं यहाँ पे, अधिराज नंगा बैठा हुआ है, अजय पता नहीं क्या कर रहा है, क्या कर रहा है अजय?